लापरवाही का कहीं नहीं है ठिकाना, इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लो, कहीं भूल ना जाना। हेलो मेरे क्लासी व्यूअर्स, आज मैं अंकित आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ 3 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। आज का इस हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेकलेस, रेकलेसली एंड रेकलेसनेस। तो कहीं सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। जैसे आप देखते हो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है, तो चीज़ों की परवाह नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो उनके लिए गाइस हम लोग रेकलेस का यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल्स में कैसे फिट करते हैं, तो उसके लिए गाइस बोर्ड में चलते हैं। तो चलिए, तो जो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है वो है शी इज़ अ गुड राइडर बट रेकलेस, मतलब कि वह एक अच्छी राइडर है लेकिन रेकलेस है, लेकिन लापरवाह है। अब गाइस हम पहुँचते अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो है ही इज़ वेरी रेकलेस, मतलब कि वह काफ़ी रेकलेस है, काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है। व्हेन ही इज़ ड्रंक, जब उसने पी रखी होती है, क्या पी रखी होती है, शराब, तब गाइस वो रेकलेस हो जाता है, मतलब कि तब वो लापरवाह हो जाता है। अब हम गाइस बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेकलेसली, तो चलो देखते हैं। तो गाइस रेकलेसली का मतलब होता है लापरवाही से, ये हमारी एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है लापरवाही से। जब भी कोई पर्सन लापरवाही से कोई काम करता है तो उस तरीके को गाइस हम रेकलेसली कहते हैं। सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करें, उसके लिए गाइस फिर से चलते हैं बोर्ड पे। तो जैसे गाइस आप देख सकते हो जो पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे वो है ही वॉज अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग रेकलेसली, मतलब उसको अरेस्ट किया गया था और क्या कारण से किया गया था, फॉर ड्राइविंग रेकलेसली, मतलब कि उसने इस तरीके से लापरवाही से ड्राइविंग की जिसके कारण गाइस उसको अरेस्ट किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड फॉर ड्राइविंग रेकलेसली। अब हम पहुंचेंगे अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो है ही स्पेंट हिज मनी, यहाँ पे स्पेंट की सेकेंड फॉर्म हमने स्पेंट लिखी है, स्पेंट मतलब किसी जगह पे पैसा खर्चना, पैसा लगाना। ही स्पेंट हिज मनी रेकलेसली, उसने गाइस लापरवाही से अपने पैसे को खर्चे। अब गाइस हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेकलेसनेस, तो चलो। तो इस रेकलेसनेस वो तरीका है, इसका मतलब हो गया लापरवाही, रेकलेस लापरवाह था, रेकलेसली लापरवाही से था, ये है लापरवाही, रेकलेसनेस। तो गाइस इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, फिर से वापस चलते हैं बोर्ड पे, चलो चलते हैं। तो गाइस जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है फेलियर इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेजीनेस, मतलब जो फेलियर है वो कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेजीनेस मतलब आलसपन का, इररिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो उसे इररिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, एंड रेकलेसनेस और लापरवाही का। तो गाइस फेलियर किन चीज़ों का कारण वो आपको पता लग गया, तो अब आप अपने में हैबिट सुधार लो। अब गाइस हम बात करेंगे अपने सेकेंड सेंटेंस के बारे में। जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो है द एक्सीडेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ रेकलेसनेस, यानी जो एक्सीडेंट था वो गाइस रिजल्ट था किसका, लापरवाही का, रेकलेसनेस। इस तरीके से गाइस हम इन तीनों वोकैबुलरी का अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों के तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग समझ आया होगा और पता लग गया होगा कि इसे हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे कैसे यूज़ करना है। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गाइस इसी गर्मी में आप गाइस अगर मुझे उत्साह थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक यार जरूर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।